फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने वीडियोस में लाइक सब्सक्राइब या फिर जो फॉलो का जो बटन होता है जो कि पॉपअप करके आता है वो आप लोग किस तरीके से लगा सकते हो। और मैं भी अपने वीडियोस में इस टाइप के एनिमेशन बहुत बार लगाता हूँ और ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लोग भी अपने वीडियोज़ में कुछ इस तरह के एनिमेशन का इंक्लूड करते हो तो जो ऑडियंस आपको देखते हैं उन लोग को याद आ जाता है कि हमें इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। अब इस टाइप के एनिमेशन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है? सपोज़ आप लोग मेरी ये वीडियो को देख रहे हो, आप लोग सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये एनिमेशन दिखाऊँगा। जब आप लोग इस एनिमेशन को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑन करना है। ये एनिमेशन देखने के बाद आपके ब्रेन में ये चीज़ आ जाता है कि सिर्फ हमें लाइक सब्सक्राइब करना है, तो इसीलिए यह एनिमेशन को हम लोग यूज़ करते हैं अपने वीडियोस में। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं किया तो ये एनिमेशन देखिए और फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब इसको लगाते कैसे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से अपने वीडियोज़ में लाइक एनिमेशन लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोग आज की इस वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आप लोग किस तरीके से अपने वीडियोस में लाइक सब्सक्राइब एनिमेशन को लगा सकते हो। और सिर्फ लाइक सब्सक्राइब ही नहीं, आप लोग यहाँ पे फॉलो भी लगा सकते हो, शेयर भी लगा सकते हो, आपको जो लगाना है वो लगा सकते हो। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट फंडामेंटल बता दूंगा कि किस तरीके से लगाना है, उसके बाद आपको जो लगाना है लगा दीजिए। तो अब करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग पहुँच गए अपने काइन मास्टर के होम स्क्रीन पर। अब आपको करना क्या है, आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सपेक्ट रेशियो मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से एक्सपेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका मीडिया फोल्डर यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले अपना मेन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको एडिट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना इंट्रो को सिलेक्ट कर दिया है इस टाइप का। अब मैं इसको म्यूट कर देता हूँ जिससे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। म्यूट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए थोड़ा सा ब्राइट है, इसलिए मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको ब्राइटनेस को थोड़ा डल कर दूंगा जिससे आप, मैं जो आपको लाइक सब्सक्राइब एनिमेशन दिखाऊंगा वो थोड़ा सा आपको अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं बस ऐसे ही आप लोगों को डल करके दिखा रहा हूँ, आपको डल करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको ये इफेक्ट को ऐड करना है तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको लेयर्स पर क्लिक करना होगा, मीडिया पर नहीं, आपको लेयर्स पर क्लिक करना होगा एंड देन आपको मीडिया पर क्लिक करना होगा, ठीक है। अब इसको करने से पहले आपको कुछ वीडियोज़ की जरूरत पड़ेगी, वीडियो क्लिप्स की आपको जरूरत पड़ेगी। इस क्लिप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर चलो मैं आपको इसी वीडियो में क्लिप्स दे दूंगा, आपको बस उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूँ फिर मैं आपको क्लिप्स भी दे दूंगा। तो चलिए हम लोग उस क्लिप्स को ऐड कर लेते हैं जिसको हमें लगाना है। तो मैं यहाँ पे कौन सा क्लिप ऐड करता हूँ, ये वाला। आप लोग और भी बहुत सारा क्लिप को ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ। इस तरह का आपका वीडियो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसको जूम कर लेना है इतना, ठीक है, इतना जूम करना है। जूम करने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे रहेगा तो आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा क्रोमा की, आपको एक क्रोमा की ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये इनेबल दिख रहा है, आपको इनेबल पे क्लिक कर देना है। अब इनेबल करने के बाद आप लोग दिख रहे हो इस टाइप का होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे 100 मार्क्स ऑन है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है, ये जो आप लोग की कलर देख रहे हो ना, ये कलर और ये कलर या फिर ये कलर और ये कलर सेम होना चाहिए। अगर मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ तो ये जो की कलर है, ये कलर और ये कलर दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम हो जाता है, इनकेस अगर आपके फ़ोन में ये चीज़ नहीं होता है तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इसने एकदम सही कलर पकड़ लिया है, तो मैं अब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है। जब आपका कलर ये दोनों सेम हो जाएगा तब ये चीज़ एकदम परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे दो चीज़ मिलता है, दो डायलर मिलता है आपको, आपको ये दो डायलर को एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि ये वाला जो डायलर है इसकी कहाँ, आपको ये चीज़ देखना है कि ये वाला जो डायलर है सबसे परफेक्ट कहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। तो देखिए मेरे को यहाँ पे सबसे परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा करूँ तो ये चीज़ थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एकदम परफेक्टली जहाँ पे मेरे को परफेक्ट लग रहा है मैं वहाँ पे इसको रख दूंगा, ठीक है। बस उसके बाद आपको इसके नीचे वाला डायलर देखना है और इसको आपको परफेक्टली वहाँ पे रख देना है। तो देखिए ये लास्ट यहीं तक जा रहा है तो मैं इसको यहाँ तक रखूँगा और ये चीज़ हमारा काफ़ी परफेक्टली हमारा बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को एक और चीज़ करना है जो कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, क्या करना है,
आपको ये डिटेल कर्व दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो कर्व है, बाय डिफॉल्ट आपका कर्व इस तरीके से डायगोनल रहेगा। आपको इस कर्व को नीचे कर देना है इस तरीके से, ये दोनों को आपको नीचे कर देना है। नीचे करने से होगा क्या, आपका जो डिटेलिंग से वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी, तो आपको इस चीज़ को भी कर देना है। करने के बाद आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक और काम कर सकते हो, आप लोग इसको चेक कर सकते हो। जैसे देखिए मैं क्रोमा की पे जाता हूँ और यहाँ पे आप लोगों को 100 मार्क्स दिखता है। जब आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आपका बैकग्राउंड रहेगा वो ब्लैक हो जाएगा और जो आपका फोरग्राउंड रहेगा वो वाइट हो जाएगा। तो 100 मार्क्स पे क्लिक करके आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। अब ये सब कुछ करने के बाद आपको बस यहाँ पे टिक कर देना होगा। टिक करने के बाद आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब मैं इसका साउंड को थोड़ा सा कम करता हूँ जिससे आपको डिस्टर्बेंस थोड़ा कम होगा, ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये चीज़ हमें देखने में कैसा लग रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कितना अमेजिंग लग रहा है ये चीज़ देखने में। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा फनी टाइप का भी एनिमेशन को ऐड कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। इसके लिए आपको सेम लेयर्स पे जाना होगा। लेयर्स पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैं ये लाइक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये लाइक सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फुल कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेम क्रोमा की को यहाँ पे इनेबल करूँगा, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये हमारा लाइक किस टाइप का, देखिए ये से मुक्का मार रहा है, बहुत ही देखने में बहुत ही फनी सा लगता है। तो आप लोग इस तरीके भी एनिमेशन को यूज़ कर सकते हो। और मेरे पास एक और है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एक ये वाला एनिमेशन भी है, ये वाला जो है ये सब्सक्राइब को फोड़ देता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सेम क्रोमा की भी इनेबल कर देता हूँ और इसको देखिए कितना मस्त लग रहा है ये चीज़ देखने में। तो इस तरीके का एनिमेशन आप लोग क्रिएट कर सकते हो काफ़ी इजीली और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है आपका वीडियो देखने में। इस टाइप का कुछ अलग टाइप का एनिमेशन आता है। तो अब ये सब एनिमेशन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको बस स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करके आपको इसको रिकॉर्ड कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं है तो आप लोग मूवीजन या फिर एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हो, उसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं है तो आप लोग जाके प्ले स्टोर पर जाके देख लो, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस सर्च करना है एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। अब आप लोग अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग रेडी कर लीजिए और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, आप लोग उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो ये आप लोग वीडियो देख लिए, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, मैंने आपको वीडियो क्लिप भी दे दिया। अब आप लोगों को करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियो को बनाने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, उसको भी दबा दो। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, जिससे वो लोग भी जान पाए ये अमेजिंग ट्रिक्स और वो लोग अपने वीडियोज़ को काफ़ी ईजिली एडिट कर पाए। ये तो मैंने काइन मास्टर के बारे में आप लोगों को सिर्फ एक ही ट्रिक बताया है। अगर आप लोग को काइन मास्टर के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो हम लोग ने आपके लिए काइन मास्टर के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना कर रखे हुए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसको देख के आप लोग अमेजिंग तरीके से काइन मास्टर सीख सकते हो और अपने वीडियोस को काफ़ी प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। तो अगर आप लोग को अपने वीडियोस को प्रोफेशनली एडिट करना है तो हमारे प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे अपने वीडियोज़ को प्रोफेशनली एडिट करने के लिए। और प्लेलिस्ट के पास पहुंचने का एक बहुत ही आसान सा रास्ता है, आपको बस हमारे चैनल के होम पेज पर जाना है, हम लोग को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, फिर जब आप हमारे पेज को रिफ्रेश करोगे आपको प्लेलिस्ट एकदम सामने में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तो फटाफट से जाइए उस प्लेलिस्ट को देखिए, एडिटिंग सीखिए और अपने वीडियोज़ को बना दीजिए एकदम नेक्स्ट लेवल के। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और साइड में आप लोग को दो वीडियोस दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक करना है और मैं आप लोग को वहाँ पे मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।